हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैमर क्वीन। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेस पैक जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। सो गाइस, इस फेस पैक की हेल्प से अगर आपके स्किन में दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और गाइस 30 की एज के बाद बहुत लोगों की स्किन में झुर्रियों की प्रॉब्लम हो जाती है, झाइयाँ हो जाती है, साथ ही साथ रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये फेस पैक आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको वाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन देगा। और आपकी स्किन पे अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। सो गाइस, अब बात करते हैं कि इस फेस पैक को किस तरीके से बनाना है। इसको बनाना बहुत ईजी है, आप ईजिली इसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको जिन जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी विटामिन सी टैबलेट की, आपको मार्केट में बहुत ही इजीली बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। और विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन वाइटनिंग के साथ साथ स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगी। उसके बाद हमें चाहिए चंदन पाउडर यानी सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर भी हमारी स्किन से एक्ने पिंपल्स को दूर करेगा, दाग धब्बों को दूर करेगा, तो ये चंदन पाउडर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमें चाहिए राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। राइस फ्लावर हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करेगा। उसके बाद हमें चाहिए रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। रॉ मिल्क भी हमारी स्किन को क्लीन करेगा और साथ ही साथ मॉइस्चराइज करेगा। अब इस विटामिन सी फेस पैक को किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक विटामिन सी की एक टेबलेट लेनी है, जिसको आपको पीस कर अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है। और गाइस, विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें एंटी रिंकल्स प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हमारी स्किन की झुर्रियों की प्रॉब्लम, झाइयों की प्रॉब्लम, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम सारी दूर होती हैं। तो गाइस, अब इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्लीन बोल लेना है, जिसमें आपको आधा चम्मच विटामिन सी टैबलेट ऐड करनी है। उसके बाद आपको इसमें एक चम्मच राइस फ्लावर ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दोनों चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच चंदन पाउडर ऐड करूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करने के लिए आप इसमें कच्चा दूध ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकती हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर लीजिए। और आपको जो मिल्क है वो धीरे धीरे ऐड करना है ताकि एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट तैयार हो सके। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेस्ट है वो थोड़ा सा थिक हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा रॉ मिल्क और ऐड कर रही हूँ। और आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस पैक एकदम रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको इसी तरीके की रखनी है, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा रनी होनी चाहिए, एकदम इस तरीके की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने फेस पैक की। तो अब बात करते हैं कि इस विटामिन सी फेस पैक को किस तरीके से आपको यूज़ करना है। सो गाइस, आप जब भी कोई भी क्रीम कोई भी फेस पैक अपने फेस पर अप्लाई करें उससे पहले आपको अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि आपके फेस से डस्ट डर्ट सब रिमूव हो जाए। और उसके बाद आप इस फेस पैक को ब्रश की हेल्प से या फिर अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको इसे 5 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपको अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने से आपकी जो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी टैबलेट। विटामिन सी टैबलेट आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। विटामिन सी से आपकी स्किन पर अगर दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी। और 30 की एज के बाद तो बहुत लोगों की स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाती है, झुर्रियों की, फाइन लाइंस की, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपको वाइट एंड ब्राइट एंड और ग्लोइंग स्किन देगा। तो आपको अपने फेस पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए नॉर्मल वाटर से। और गाइस, अगर आपको इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप कम से कम वीक में 4 से 5 बार इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिए। बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे 4 से 5 बार वीक में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर इसके पहले यूज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करने लगी है। तो गाइस, अगर आप इस फेस पैक को रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको आपकी स्किन में फ़र्क देखने को मिलेगा।
कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई है, साथ ही साथ वाइटन ब्राइटन और ग्लोइंग हो गई है। तो ये था मेरा विटामिन सी स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग फेस पैक। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आपकी स्किन में कितना ज़्यादा फ़र्क लगा इस फेस पैक से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।